past few years, when you were there, names, I think Shaan mentioned, somebody mentioned, maybe people like Kunal Kanja, there are lots of names that have come out from this platform. But going forward, what we're planning to do, and I've been discussing it at length with Amal, we're planning to start, we have the DSC Foundation, as you are aware, we do a lot of good work through that. So any children with talent and need some help in the future, we're planning to support them and make sure we help them along the way. Also, I've seen that, you know, the guy from Nepal, when it comes to addiction, it's very important, of course, but at the same time, it's not the be-all, end-all. Because many times, you have your own leisure, you have your own tone, it's also fun. But of course, it's so easy to correct it, because when you're listening to that song, you're listening to that song, you're listening to that song. So when you're listening to that song, you're listening to that song, बोल भी लिरिक्स भी सुनते हैं लेकिन टाइम तरह मैनी सिंगर्स इन आर कंट्री एस्टैब्लिश्ड मैसिव सिंगर्स अगर आप उनसे बात करें यू कैन क्लियरली टेल पंजाब से हैं क्लियरली टेल कि बंगाल से हैं उनकी बात करने की टोन बिल्कुल अलग होती है लेकिन जब गाते हैं तो उनकी हिंदी एकदम साफ होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ये हो जाता मजा आने अलग वो एक्चुअली मैं उसकी वॉइस है पर अंदर से मैं भी लिटिल चैंप हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे कहते हैं कि फ्लोर मैनेजर भी था कोई बच्चा रूट गया रो रहा है तो उनको भी समझाओ कभी जजेस के बीच में वो एक आदत सी हो गई हमारे जजेस के बीच में बहुत बड़ी जंग हो चुकी थी उस टाइम पे एक की रूम में जाके उनको मनाओ दूसरे रूम में जाके उसको मनाओ बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं उस सीज़न की और उस सीज़न के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं कभी किसी बच्चों की जो टैलेंट शो होती है ना उससे मैं कभी खुद को नहीं जोड़ूंगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद देखा जो बच्चों पर जो पेरेंट्स की प्रेशर थी बच्चों की जो लगाव है बच्चों का जो प्यार है म्यूज़िक से वो वही है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया तभी भी बच्चे उतने ही डेडिकेटेड उतने ही पैशनेट थे अपने म्यूज़िक के लिए अभी भी बिल्कुल उतने ही चाहे जितना भी नया टेक्नोलॉजी आ जाए जितने भी आज के तारीख में बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है लेकिन ये जो बच्चे मैं देख रहा हूँ दे आर सो कमिटेड टू म्यूज़िक तो वो बात तो सेम है लेकिन काफ़ी बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत चेंजेस आई हैं क्योंकि वो नया नया फर्स्ट स्टेज है कुछ भी चीज़ जब शुरू होती है ना तो उसमें कुछ हर नए शहर में कुछ रातें खड़ी होती हैं ना जी आपने जवाब खुद ही दे दिया इट्स ऑल अबाउट सेंसिटिविटी और बच्चे हों या बड़े हों एक होस्ट की एक ही रिक्वायरमेंट होती है वो है वार्मथ कि हर बच्चा जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो रिजेक्शन का सामना करे वो अपने जीवन में फेलियर देखे लेकिन ये मेरा काम है उनको ये बताना कि ये फेलियर नहीं है ये एक अपॉर्चुनिटी है तो जिस तरह वो इस फेलियर को या इस रिजेक्शन को सेलिब्रेट करे और उनके पास मौका है हमेशा एंड बीइंग अ चाइल्ड इज ऑल अबाउट दो सेकंड चांसेस सो एंड दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट म्यूजिक से पढ़ेंगे हम आप वो रिजेक्शन या वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं करता बढ़ना काउंट करता है एंड दैट्स व्हाट आई वुड टेल टू टेल देम दैट दे आर ग्रोइंग बहुत खुश हूँ और बहुत उम्मीदें हैं कि सब लोग बहुत प्यार देंगे हमारे ये नए टैलेंट को पूरे जितने भी बच्चे हम लोगों ने और हमारी पूरी म्यूजिक टीम ने चूज़ किए हैं और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ये देख के कि कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रांत अलग अलग शहरों से बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है मैं हूँ और साथ में शान है और अमाल मलिक हैं कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ ये करने का बच्चे सब बच्चों के साथ कैसे मुश्किल हो सकता है बच्चे इस धरती की सबसे खूबसूरत रचना क्योंकि बचपन में उनको ना तो कोई कपट होता है ना कोई छल होता है ना कोई समझ होती है चालाकी होती है मासूम होते हैं उनको जैसे मर्जी डालो कच्ची मिट्टी है जिस रूप में डालो जिस रंग में डालो तो कोई मुश्किल नहीं आती बल्कि और मज़ा आता है क्योंकि उनकी छोटी मोटी शरारतें छोटा मोटा नटखटपना तो बहुत मज़ा आ रहा है और जब इतना अच्छा गाते हैं तो दंग हो जाते हैं हम लोग प्यारे लगते लेकिन हम लोग समझदार हैं वो बच्चे हैं तो हम लोगों को ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा एवरी वीक की एक जाएगा विनर एक ही बनेगा
तो उसका सबको सामना करना पड़ेगा हर हफ्ते. जो बेहतर परफॉर्म करेगा, बेहतर गाएगा, वो उस हफ्ते रह जाएगा. बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती. मैं यहाँ पूरा बचपन जी रही हूँ. मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि काश मैं भी बच्ची होती. मैं तो ऑलरेडी बच्चों के जैसे बनी हुई हूँ. वहाँ पे बच्चों के साथ दोस्ती कर ली है और इन्जॉय कर रहे हैं. हम लोग ये समय को बहुत अच्छे से बिता रहे हैं.